नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल द नवलगढ़ स्टेशन पे। दोस्तों, हमारे एक व्यूवर जीसन चौहान ने हमसे जानना चाहा है कि सितंबर 2019 में नवलगढ़ स्टेशन पे पूरे हफ्ते में कितनी ट्रेनें आती हैं और उनका यहाँ पर टाइम टेबल क्या रहता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि नवलगढ़ स्टेशन पे पूरे हफ्ते में कितनी ट्रेनें आती हैं और उनका टाइम टेबल यहाँ पे क्या रहता है। दोस्तों, नवलगढ़ स्टेशन पे कुल 8 ट्रेनें आती हैं, जिनमें पहली नंबर की ट्रेन है वो है 59728 रेवाड़ी सीकर पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों, यह ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलने वाली पैसेंजर टाइप की ट्रेन है जो रेवाड़ी से रात में 11:40 पर रवाना होती है और नवलगढ़ 3:55 पर पहुंचती है और सीकर 4:40 पर पहुंचती है। और यह ट्रेन रेवाड़ी से नवलगढ़ के बीच कुल 14 स्टेशनों पर ठहराव लेती है और नवलगढ़ से सीकर के बीच इस ट्रेन का कोई ठहराव नहीं है। इसके बाद दोस्तों, हमारी अगली ट्रेन है वो है 14021 दिल्ली सराय रोहिला से रिंगस के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलने वाली त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन है जो मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को दिल्ली सराय रोहिला से रात में 10:25 पर रवाना होकर बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सुबह में 4:40 पर नवलगढ़ स्टेशन पहुँचती है और सीकर में 5:15 पर पहुँचती है और रिंगस जंक्शन पर सुबह में 6:40 पर पहुँचती है। और इस ट्रेन का दिल्ली सराय रोहिला से नवलगढ़ के बीच कुल 15 स्टेशनों पर ठहराव रहता है और नवलगढ़ से सीकर के बीच इस ट्रेन का, रिंगस के बीच इस ट्रेन का 4 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। इसके बाद दोस्तों, हमारी अगली ट्रेन है वो है 59727 सीकर रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों, यह ट्रेन भी हफ्ते में 7 दिन चलने वाली डेली पैसेंजर ट्रेन है जो हर दिन सुबह में 7:30 पर सीकर जंक्शन से रवाना होकर 7:57 पर नवलगढ़ और दोपहर में 1:45 पर रेवाड़ी जंक्शन पहुंचती है। और इस ट्रेन का सीकर से नवलगढ़ के बीच 1 स्टेशन पर ठहराव रहता है और नवलगढ़ से रेवाड़ी के बीच इस ट्रेन का 22 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 14812 दिल्ली सराय रोहिला से सीकर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलने वाली द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जो बुधवार व शुक्रवार को सुबह में 6:50 पर दिल्ली सराय रोहिला से रवाना होकर दोपहर में 12:36 पर नवलगढ़ और दोपहर में 1:20 पर सीकर जंक्शन पर पहुंचती है। और दोस्तों, इस ट्रेन का दिल्ली सराय रोहिला से नवलगढ़ तक 10 स्टेशनों पर ठहराव है और नवलगढ़ से सीकर के बीच इस ट्रेन का कोई ठहराव नहीं है। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 14811 सीकर दिल्ली सराय रोहिला इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलने वाली द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन है जो बुधवार व शुक्रवार को दोपहर में 2:20 पर सीकर जंक्शन से रवाना होकर दोपहर में 2:44 पर नवलगढ़ स्टेशन पहुँचती है और रात में 8:45 पर दिल्ली सराय रोहिला पहुँचती है। और दोस्तों, नवलगढ़ से दिल्ली सराय रोहिला के बीच इस ट्रेन का 10 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। इसके बाद दोस्तों, जो हमारी अगली ट्रेन है वो 59730 रेवाड़ी सीकर पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों, यह ट्रेन सप्ताह में 7 दिन चलने वाली पैसेंजर टाइप की ट्रेन है जो रोजाना दोपहर में 2:50 पर रेवाड़ी जंक्शन से रवाना होकर शाम में 7:09 पर नवलगढ़ स्टेशन पहुँचती है और रात में 8 बजे सीकर जंक्शन पहुँचती है। और दोस्तों, इस ट्रेन का रेवाड़ी जंक्शन से नवलगढ़ तक 21 स्टेशनों पर ठहराव रहता है और नवलगढ़ से सीकर जंक्शन तक इस ट्रेन का 1 स्टेशन पर ठहराव रहता है। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 59729 सीकर रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों, यह ट्रेन सप्ताह में 7 दिन चलने वाली पैसेंजर ट्रेन है जो रोजाना रात में 8:25 पर सीकर जंक्शन से रवाना होकर नवलगढ़ 8:49 पर और रेवाड़ी रात में 2 बजे पहुंचती है। और इस ट्रेन का नवलगढ़ से रेवाड़ी जंक्शन तक 14 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो लास्ट ट्रेन है वो है 14022 सीकर जंक्शन से दिल्ली सराय रोहिला के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन की।
दोस्तों ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रिंगस जंक्शन से रात में 8:45 पे रवाना होती है, और सिक्कर जंक्शन रात में 10:05 पे, और नवलगढ़ रात में 10:38 पे पहुंचती है, और नवलगढ़ से रवाना होकर सुबह में 5:40 पे दिल्ली सराय रोहिला पहुंचती है। और दोस्तों इस ट्रेन का रिंगस जंक्शन से नवलगढ़ तक 4 स्टेशनों पर ठहराव रहता है, और नवलगढ़ से दिल्ली सराय रोहिला तक 15 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। तो दोस्तों यह थी नवलगढ़ स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की छोटी सी टाइम टेबल की जानकारी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक व शेयर करना न भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।